ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਨੀ ਮੀਨੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਲੀ ਨਿਕਾਲੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਆ ਦਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੰਨੀ ਭਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮੀ ਉਹ ਕਾ ਦੀ ਨੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਦਿਆ ਤੋ ਅਮ ਫਿਰ ਹਮ ਰੱਖ ਲੈਤੇ ਹੈ अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक है यार, आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में सबसे पहले आप सबको करते हैं वेलकम। आज मदर डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो मेरा दुनिया जहाँ की माओ को दिल भरा सल्यूट है। यार एक माँ ही होती है जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाई करती है हमारे लिए, हमारे हमने खाना किया, हमने पहनना किया, हमें पालने में, हमें फीड करवाने में, बचपन से लेकर जब तक हम बड़े नहीं ना हो जाते वो उस टाइम तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन कि हमारी शादियाँ भी हो जाएँ तो फिर भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती। वो कहती हैं कि नहीं नहीं चलो मैं पुराने पहन लूँगी, मेरी औलाद नए कपड़े पहने, मैं ये कर लूँगी, आप सबके लिए मैं ला दूँगी। एक माँ का प्यार ही होता है ये, तो दुनिया जहाँ मर्जी छान लो, तो इसलिए भी अल्लाह की ज़ात ने भी जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रख दिया। उसको पता है अल्लाह ताला कादिर है हर चीज़ पर, उनको पता है कि एक माँ का जो उन्होंने दिल बनाया है ना, वो कोई और रिश्ता बन ही नहीं सकता, कभी भी नहीं बन सकता। माँ अपनी ज़िंदगी जहन्नम बना लेती है लेकिन अपनी औलाद की ज़िंदगी वो जन्नत बना देती है। खुद कब खा लेगी लेकिन अपनी औलाद को कहेगी कि यार मैंने जो अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, हालांकि वो जवान ही होती है, तो नहीं मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की कदर करें, रिस्पेक्ट करें। आगे मदर डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो मैं तो दुनिया जहाँ की माओ को मैं सलाम अर्ज करता हूँ। मुझे जहाँ भी कोई देख रहा है, कोई भी किसी भी हैसियत से कोई भी रिश्ता है, बजरिया है, तो वो माँ ही है ना, किसी की हो, जिसकी मर्जी हो। तो भाई मेरा तमाम माओ को सल्यूट है कि आप ना होती अगर इस दुनिया पर माँ ना होती तो मेरा ये ख्याल कि दुनिया आगे बढ़ती, क्योंकि एक माँ की बदौलत ही दुनिया पर नस्ल पैदा होती। तो यार दुनिया जहाँ की माओ को फिर से गए, तो मेरा सल्यूट है। अपने पेरेंट्स की कदर करें, रिस्पेक्ट करें। कहने वाले कहते हैं कि जी मदर डे जो सा होता है ना 365 दिन नहीं होता है, मैं कहता हूँ होता है, ठीक है, रिस्पेक्ट करें। हम सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जैसे हमारी कंट्री है पाकिस्तान, हम 365 दिन तो नहीं ना जश्न मनाते कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, एक दिन मनाते हैं 14 अगस्त को। अमेरिकन सिटीजन है वो अब पूरा साल तो नहीं ना जश्न मनाते कि जी वी आर अमेरिकन, वी आर अमेरिकन, वो 1-7 जुलाई को मनाते हैं। इंडियन है वो पूरा साल वो भी नहीं मनाते, वो 15 अगस्त को मनाते हैं। तो ऐसे मदर डे और फादर डे डिवाइड किया हुआ है उन्होंने कि एक डेट पे, स्पेसिफिक डेट पे। लव सारे करते हैं लेकिन वो फिर इजहार करते हैं अपने माँ बाप के साथ कि हम आपके बगैर कुछ नहीं। तो इसलिए ये चीज़ को मद्देनज़र रख के पेरेंट्स जो होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि यार हमारी औलाद हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करती है, तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है उनका। तो खैर आज को आज का दिन था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सेलिब्रेशन न करूँ। अल्लाह पाक ने मेरे माँ और बाप दोनों को सलामत रखा है, तो ताकि क़यामत इनका रिश्ता हमारे सरों पे कायम दायम रखे। और जितने भी देखने वाले हैं उनके माँ बाप से अगर कोई दुनिया छोड़कर चला गया है तो उनको अल्लाह पाक जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम दे। जो घर में रिश्ते बैठे हुए हैं उनको रिस्पेक्ट करने की हिम्मत तौफीक दे। मैं आपको एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में बताता हूँ, आज तक या मैंने या शुरू में कभी ऐसा किसी के साथ नहीं किया कि कोई हमारे माँ बाप को गाली दे, कोई हमारे माँ बाप को तू करके भी बुलाए, किसी के साथ ऐसा मिसबिहेवियर नहीं किया। या मेरे बाप को कभी किसी ने सड़क पे खड़ा करके कहा हो तो तू फलाने का, तेरा फलाना मुंडा ऐसा है ऐसा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात गवाह है, आज तक नहीं ऐसा हुआ। तो यही चीज़ पर हमें प्राउड फील होता है कि हमने अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त बनाई है। तो खैर आज मैंने एक मदर डे के लिए बहुत ही प्यारा और डिसेंट केक ऑर्डर किया है, तो लेट्स शो यू। यार मैंने आपको कहा था कि मैं आपको केक दिखाऊंगा जो मैंने ऑर्डर, केक जो मैंने आपको बोला था ना मदर डे के लिए, ये वाला आपके भाई ने ऑर्डर किया, तो मामा ने आज शॉक्ड हो जाना है। आई नो कि वो मुझे हमेशा मना करती है, कहती है कि यार मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं है तो क्यों तुम मुझे इन कामों में डालती हो। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं मामा, हमने मुझे सबसे बुरा काम करना है, केक ही तो कट करना होता है, डोंट वरी। तो अभी ये ऑर्डर प्लेस किया हुआ है तो ये शाम 5 बजे आएगा, तो मैंने उनको कहा था कि आप 5 बजे आ जाइएगा तो कैश ऑन डिलीवरी मैं आपको पे करूँगा। तो वो जब आएंगे तो फिर हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो आज मदर डे पर मेरी अम्मी की भी मदर को हम इनवाइट कर रहे हैं, नानों को, कि नानों भी आएगी।
ताकि मामा भी अपनी मदर के साथ सेलिब्रेशन कर ले और हम भी अपनी मदर के साथ सेलिब्रेशन करें। तो इंशाल्लाह तो फिर नेक्स्ट पार्ट जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए चाहेंगे आपसे इजाज़त। तो यार भाई अभी मैंने पैसे वगैरह पकड़ लिए, तो नीचे हमारे भाई आ गए हैं जिन्होंने केक घी पर काटा था, तो अब उनसे अपना पार्सल लेते हैं, तो फिर केक पर आते हैं। हमारा पार्सल जी आ गया जी। वाओ ये जी करें जी भाई, बहुत शुक्रिया, ये आपका मुआवजा आपको मिल गया। ठीक है, ठीक हो गया। तो यार केक तो हमारा डिलीवर हो चुका है, तो हम जस्ट रह गए फ्लावर लाना, फ्लावर का बुके लेके आ गए। तो फिर मामा को सरप्राइज देते हैं, तो इट्स सो प्रीटी, बहुत प्यारा यार केक है। तो ये अभी इसकी करते हैं, अभी मामा को सरप्राइज देते हैं, तो फिर इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यार केक को अब रखते हैं फ्रिज के अंदर, पहले ही मैंने जगह बना ली थी, तो मुझे पता था हमारा जो पार्सल है ना इट्स टू हैवी, तो अब इसको रखते हैं जी ऐसे करके ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। और शरोज हम दोनों गए हुए थे, तो हम बहुत प्यारा बुके लेके आए हैं मामा के लिए सरप्राइज़। वो भी मुझे लगता है कि खाने पकाने के लिए लगी हुई हैं, क्योंकि आवाज़ आ रही है किचन में। तो अब चलते हैं जी देखे उनका रिएक्शन नोट करते हैं कि कैसा होता है। सुना तो आ जा फिर उसे देखते हैं। क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ, चावल रखे हैं दम पर और ये स्टीम लगाया था चिकन को। अच्छा इधर रखा है मसाला की। माशाल्लाह मेरे बच्चों, यार मैं आपके लिए लेके आया हूं, मैं सदके जाऊं, इतने सरप्राइज बताते नहीं और अचानक से पकड़े ना। हैप्पी मदर डे यार, मदर डे का दस्ता हो सकता था आपके लिए ना लेके आते। चलो आज हम बाहर आ जाए, सारे थैंक यू अंदर ही करने हैं आज। तो यार मामा के लिए लाए हैं, तो मामा बहुत हैप्पी हुई हैं जी। आजे आजे आजे, अचानक से आप सरप्राइज दे देते हो, मुझे कोई पता बात भी नहीं होता। कोई बात नहीं, आपको पसंद आया कि नहीं ये बताएं। माशाल्लाह मेरे लिए ये ऐसे जैसे हीरे होते हैं। हीरे होते हैं वाकई, हीरे होते हैं कसम। तो यार मामा को वाकई बड़ा पसंद आया यार। बस यही नहीं है? अच्छा और नहीं कुछ देखा? और मैं खाना बना रही हूँ यार आपके लिए, मैंने इतना प्यारा केक ऑर्डर किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे तो नहीं अच्छा लगेगा, आप नानो को लेके आओगे ना फिर मजा है, क्योंकि मेरा भी फिर दिल है कि मेरी अम्मी साथ हो ना। तो फिर नानो को लेके क्योंकि ऐसे ही है ना, जैसे आप मेरे से प्यार करते हो मेरे। वो ये मैंने ये चीज मैंने पहले ही सोची हुई थी आपके कहने से पहले ना, मैं ये बात कर रहा था, मैं नानो के साथ ये सेलिब्रेशन करेंगे, वो बहुत अच्छा लगेगा ना, मेरी अम्मी खुश हो जाएगी। आपको ये पसंद आया कि नहीं? मेरे लिए तो मेरी जान है ये। अच्छा क्योंकि मेरे बेटे लेके आए। हाँ चले जी, थैंक यू। तो यार अभी करते हैं जी, नानो आती हैं तो फिर केक को शहीद करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि जो बेटे नहीं ना करते, ये छोटी छोटी खुशियां दिया करें माँ को बाप को, क्योंकि ये हमारे लिए आपके लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, ये करो वो करो ये करो। चले तो बस कोई बात नहीं, कोई जनी ना करते यार उनके लिए हराम होगा, हमारे लिए हलाल। बात कर तो नहीं, ये खुशियों में कोई हराम हलाल नहीं है, मैं तो नहीं समझ। वो ये कह देते हैं दिल के घर पे कहते रहे, क्योंकि साल में एक दिन आता है देना चाहिए। ये तो है, आ गई हैं तो मामा नानों को सरप्राइज देंगी, हमारे वाला ही वो अपनी मदर को देंगी। सो देखते हैं, एक्साइटेड है आप? हाँ मैं बड़ी। तो यार आज इतना रश था बाहर, इतना रश था कि मैं कहता हूँ कि मैं हैरान हूँ कि इतना लोगों को शौर आ गया इन चीज़ों के बारे में, मदर डे मनाने के बारे में। वेलकम जी, वेलकम राली जी, की हाल है? ठीक हो? ऐ तो आड़े वास्ते आज है मामा दा दे। अच्छा मामा दा दे, हां जी हां जी, मैं कोठा ते पई बैठो। ओ करा हम नानी ने अपनी निकली शुतली निकाल ली है। नानी है कि कह रहे हो, रहन दो ना। हां की कर नानी अम्मी ने अपनी निकली निकाल ली और पैसे निकाल लिए, कहने कि नहीं पुत्र मैं खाली आई है। मैं नहीं नहीं खाली, ये किथे आयो? यार ये वाला पंखा बंद कर दिया, ये चला दिया, शोर काफी आ रहा था जी। कुछ नहीं दावड़। कोई गल। तो यार नानो क्या थी? ये देखो, नानो यार नानी ने ये दिया है जी, तुसी रहन दे नानी भला। मैंने कहा आज तो है भी अम्मी का दिन है जी, अम्मी जान नहीं है जनाब जी नहीं। यार चलो उन्होंने इतनी मोहब्बत से दिया तो हम फिर हम रख लेते हैं। हाँ जी लाए केक शेक लाए मम्मा?
केक काटे। आपके बाबा आ रहे हैं, कह रहे हैं 10 मिनट आ रहे हैं। आंटी भी आ रही है, चले वो आते हैं। सारी गैदरिंग इकट्ठी होती है तो फिर सेलिब्रेशन लगी हुई है। मदर डे वाले दिन भी मदर होने का हक अदा करने के लिए तो हमारे घर काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं, यानी कि मेरा नानका आ रहा है, नानका आधा आ गया है और आधा आ रहे हैं। तो मामा लगी हुई है जिनकी खातर मदारत के लिए सामान वगैरह बनाने, ये ब्रोस वगैरह ये फ्राई कर रही हैं और ये साथ चावल चुपल बना लिए इन्होंने, तो ये बाकी का सारा लगी हुई है करने, बना के फिर बैठ ले आएगी। तो आज हमने सेटिंग भी चेंज कर दी है, बाइक टेबल अभी बाकी आए हैं मदर डे के लिए वाले से। आप क्या कहेंगे आज, आप भी अपनी राय का इजहार करें। माँ दुनिया में कैसी अजीब मस्ती है, दुनिया में इसका कोई नेमा बदल नहीं है। जिस घर में माँ नहीं ना होती वो घर वीरान होता है। हाँ ये बात तो वाकई भी सही है। तो चले आए ना, खाला भी माँ की जगह पर ही होती है तो आपकी माँ भी है वैसे भी ना, माँ की कमी तो फील होती है फिर इंसान को। तो यार ये चले, ये पकड़े नानू जी, बैठे मामा आप साथ। चले चले अब काटें केक। यार मामा सबसे पहले ये टेस्ट करवाएंगी नानों को। सारे करें जी बारी बारी टेस्ट। चलें जी मुझे भी करवाएं जी। जाहिर है जी माओं के हाथों का खाने का ये आज अपना ही मजा होता है। अब फिर रोज की बारी तो यार मामा ने ये बर्तन वगैरह निकाल के रखे हैं तो अब सबको केक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सारे जी केक का मजा लेते हैं। तो हमारे घर जी छोटे छोटे आए हैं जी, हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे इब्राहिम यार ये मेरी खाला के पोते हैं दो, तो वो नहीं आ सकी क्योंकि वो कहीं पर्सनल काम में बिजी थी, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मैं नहीं आ सकती, मैं बाद में आऊँगी। तो यार ये दो आई हैं जी, इनको तो आप जानते ही हैं, फातिमा आशा को। फातिमा केक खाने, केक खाने आशा आपने। चलें जी मामा अब निकाल के दे रही है इन सबको। मामा थोड़ा सा मुझे भी डाल दें केक शेक, एक पीस पड़ा हुआ है वैसे। चलो जी यार ये वाला ट्राई करते हैं। तो केक वैसे बड़ा मजे का यार, आउटस्टैंडिंग है यार। भाई की जब से शादी की ना यहाँ से ही बनवाएंगे, बहुत कमाल का बना। ये मामा ने खाना वगैरह बना के रखा हुआ है, जो जो बाहर गेस्ट आए हैं उनको खिलाते हैं। अभी टाइम होता है जी
खाने पीने का तो मम्मा ने डिनर के लिए इनवाइट किया था, तो डिनर वगैरह रेडी कर लिया है। तो अब ये यहाँ पर बच्चे बच्चे सारे बैठ गए हैं, बच्चा पार्टी। तो हमने जो सोफ़ा था वो यूं करके एल शेप में कर दिया। तो अब इनको बिठाएं, सबको खाते हैं। सो अब करते हैं जी अपना डिनर। वगैरह जितने भी आए थे सारे चले गए हैं घरों को। तो ये इतनी खुशबू उसने फुलाई है ना पूरे घरों में, क्योंकि असल देसी गुलाब के फूल थे, तो बड़ी खुशबू उसकी आ रही है। तो कैसा रहा फिर आज, खुश हो गई है कि नहीं? लग तो नहीं रही आप खुश। मंगड़े डाल यार आपका तो पता नहीं आप खुश हुई है कि नहीं। नानी हमारी बड़ी खुश हो गई है। ऐसे आज का आज मदर डे था ना, तो बच्चों ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था अपनी मम्मा को खुश करने के लिए। बस मैंने छोटा सा किया, मैंने कहा चलो खुश है। मैंने शरोज ने, बल्कि हम तीनों ने मिलके किया था, फ्लावर ले आया, केक ले आया। अब हम सब ने मिल के तामुन के साथ ना छोटा सा किया कि यार खाना वगैरह। हाँ जी, अल्लाह साहब की माँ को सलामत रखे। लेकिन मुझे ये चीज होती है कि जो पॉकेट मनी इनकी होती है ना, उन्हीं से ये जो भी छोटा मोटा जो भी करना होता नहीं, ये अपने पास से करते हैं और अचानक से सरप्राइज दे देते हैं, इस चीज की ज्यादा खुशी होती है। बस ये तो हमारा फर्ज है ना करना। खाता पीता तो इंसान सारा साल है ही है, तो थोड़ा सा अंदर उन्हीं के पैसों में से उन्हीं पे लगा देने से थोड़े वो खुश हो जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में, नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।